मेरी एक फिल्म आई थी मेंटल है क्या, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक जर्नलिस्ट को कॉन्फ्रंट किया कि तुमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बहुत गलत लिखा। थोड़ी बहस हुई, बहस टल गई, इवेंट अच्छे से गया, लेकिन 4-5 घंटों में बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, खुद को जर्नलिस्ट बताते हैं, कोई हजारों की तादाद में गिल्ड बनाते हैं जिसको कोई गवर्नमेंट रिकग्निजेशन नहीं है, और ये अनाउंस होता है कि कंगना की फिल्म को बैन कर दिया जाए। अब इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि उससे पहले मेरी फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी, जबकि मेरे को सब प्रोडक्शन हाउस ने सबने बैन किया, मगर फिर भी खुद मैंने डायरेक्ट की, तो इनको डर हो गया कि अब इसकी राष्ट्रवादी आवाज ज्यादा स्ट्रांग नहीं होनी चाहिए, बहुत दूर तक नहीं जानी चाहिए। मेरी फिल्म आई है, उसको नुकसान किया, तो वो गिल्ड उसके बाद डिसॉल्व हो गई, उनका कोई पता नहीं। अर्णव गोस्वामी कितने दिनों से अब जेल में है, कोई जर्नलिस्ट गिल्ड नहीं बनी, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाईकोर्ट खुद कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। देख रहे हैं आप कितनी कम राष्ट्रवादी आवाजें हैं इस देश में, और लॉबी कितनी स्ट्रांग है। मैं आपको अमेरिका का एग्जाम्पल देती हूँ, ट्रंप में कितनी भी बुराइयां हो, मगर ये बात सच है, वो चाइनीज वायरस को चाइनीज वायरस कहता है, रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को ये नहीं कहता कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। आज अगर ट्रंप सत्ता में नहीं है तो सबसे ज्यादा फायदा होगा चाइना को, और वो देश जो टेररिज्म फैलाते हैं। तो आप देखिए, इन विदेशी शक्तियों ने उनका वोटिंग सिस्टम ही हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से, जैसा कभी हुआ ही नहीं आज तक इतिहास में। ये शक्तियां इसी तरह से भारत को भी पूरी तरह से कंट्रोल कर रही हैं। हमारे यहाँ पे कुछ अच्छे लोग हैं जिसके करके अभी हमारे यहाँ पे फिर भी हम उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपका जागना बहुत जरूरी है। सोचिए, जब भी कुछ खरीदते हैं सोचिए कि ये राष्ट्रवाद में हेल्प करेगा या नहीं। जब भी आप कुछ देखते हैं, किसी जर्नलिस्ट को देखते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, आप ये सोचिए कि इन लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, ये लोगों की इंटेंशन क्या है।